हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। जंबल पैराग्राफ के हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन, तभी भी आपके लिए जो जंबल पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस, राइट। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप हमेशा करके जाओ। दो चीज़ें होती है, एक तो यू बिकम फेमिलियर विद द पैटर्न, दूसरी चीज़ आप अपना लेवल समझ पाते हो कि आपकी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो उसका लेवल कितना अच्छा है या फिर आपको कितना वर्क करने की ज़रूरत है। यू आर हैविंग योर एग्जामिनेशंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, यू हैव अराउंड अ मंथ लेफ्ट, तो इसमें अब जितना भी टाइम है वो यूटिलाइज करो। एटलीस्ट अपना 1 हफ्ता या 10 दिन जो है सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर्पज़ के लिए जो आप अपना टाइम बचा के रखना, उस दौरान मतलब जो आपके 1 हफ्ते पहले है या 10 दिन पहले जो है, कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करो। अगर आप ऑलरेडी वो टॉपिक प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, तब आप कर लेना, पर उस पर्टिकुलर टाइम में कोई नई चीज़ें स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योर सेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। एक और चीज़, एनडीए और सीडीएस लेवल के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दून ऑफिसर्स अकेडमी जो है वो अपने फ्रेश बैच भी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए भी आप इनरोल करा सकते हो बाई कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर दैट इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। हर बार जैसे कि आपको बोला जाता है कि जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक बार बहुत ज़रूरी है कि आप उसे खुद आंसर करो, उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उसके साथ आप मैच करो। अनलेस यू ट्राई अ क्वेश्चन योरसेल्फ, आपको ये नहीं समझ आता कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, या फिर आपका जो एरिया ऑफ डाउट है, या फिर कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तो उसको समझने के लिए खुद क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। अभी जो टाइम बच रहा है उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट 10 साल के अगर आप करते हो, वेल एंड गुड। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपके लिए, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वो आप काफ़ी अच्छे से जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाते हो ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग, अगेन ये आपके क्या है, पैराग्राफ्स है। तो आपका एक पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं वो जंबल्ड फॉर्म में दिए गए हैं, एंड देयर यू हैव टू पुट देम इनटू एन ऑर्डर ताकि वो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। ऐसे वाले क्वेश्चंस में द S1 एंड द S6 पार्ट, मतलब द स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड द एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ इज गिवन टू यू, उसके बीच में जो भी आपके सेंटेंस आने चाहिए वो जंबल्ड फॉर्म में दिए होते हैं। ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, smoke oozed up between the planks. Now this is the S1 part of the statement. Smoke oozed up between the planks. Now the last part of the paragraph is, most people bore the shock bravely. Most people bore the shock bravely. P part of the sentence is, passengers were told to be ready to quit the ship. To be ready to quit the ship. Q part is, the rising gale fanned the smoldering fire. Smoldering fire. R part of the sentence is, everyone now knew there was fire on board. Now the last part of the sentence is, flames
ब्रोक आउट हेयर एंड देयर, राइट। अब जो आपको सीक्वेंस दे रखा है दैट इज एस आर क्यू पी क्यू पी एस आर आर एस पी क्यू क्यू एस आर पी पी, ऑल राइट। नाउ गो थ्रू द स्टेटमेंट वन सो दैट यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है एक पैराग्राफ क्या सेंटेंस बनाएगा, राइट। नाउ इफ यू विल लुक एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, स्मोक ऊज्ड अप बिटवीन द प्लैंक्स, ठीक है। ऊज का मतलब होता है कोई चीज़ जो बाहर निकलती है, ठीक है। सो दैट इज ऊज आउट, राइट। इवन जैसे कि आप कोई चीज़ अगर रेडिएट कर रही है तो बेसिकली दैट रेडिएशन इज ऊजिंग आउट। मोस्ट पीपल बोर द शॉक ब्रेवली, बोर बेसिकली क्या है, बियर का आपका पास्ट फॉर्म है। पैसेंजर्स वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द शिप, द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर। स्मोल्डरिंग का मतलब होता है जो आपके स्मोक निकल रहे हैं ना, राइट। Everyone now knew there was fire on board. Flames broke out here and there. अब एक बार ऑप्शन चेक कर लो। अगेन आपके दो ऑप्शंस क्या है, क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले यही वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्यू पार्ट इज द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर फॉलोड बाय पी पैसेंजर्स वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द शिप फ्लेम्स ब्रोक आउट हेयर एंड देयर एवरीवन नाउ न्यू देयर वॉज फायर ऑन बोर्ड स्मोक ऊज्ड अप बिटवीन द प्लैंक्स। नाउ जब का बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस स्मोक ऊज्ड अप बिटवीन द प्लैंक्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर आपकी जो फायर है या आपके जो धुआं उठना शुरू हो गया, आपके मान लो दो प्लैंक्स हैं मतलब लकड़ी के जो फट्टे हैं, उससे क्या है स्मोक क्या है बाहर निकलना शुरू हो गया। स्मोक क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ फायर कि भाई कहीं आग लगी है, तभी जाके तो क्या है स्मोक निकल रहा है। तो इट शुड बी फॉलोड बाय फ्लेम्स ब्रोक आउट हेयर एंड देयर, ठीक है भाई। धुआं हुआ तब क्या देखा कि भाई फ्लेम्स इधर उधर बह रही है। सो दैट शुड बी द फर्स्ट पार्ट फॉलोड बाय आर पार्ट। एवरी वन नाउ न्यू देयर वॉज फायर ऑन बोर्ड। अगर फ्लेम्स है तो उसके बाद क्या है, धुआं उठेगा, चिंगारी उठेगी, उसी से आपको ये पता चलेगा ना कि भाई हर जगह क्या है कि भाई फायर है, राइट। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है आर क्यू इज द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी आग हो रही, जो धुआं जो आपका निकलने लगा, आग जब लोगों को लगी तो उससे क्या हुआ कि जो आपकी आग थी वो फैलने लग गई। Passengers were told to be ready to quit the ship. Most people bore the shock bravely. Right? P और जो last वाला sentence है एक साथ जा रहे हैं, तो इसका correct option क्या होना चाहिए, A part, this is SRQP. जो आपके mostly आपके जो paragraph वाले sentences होते हैं उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़े time consuming है। जैसे आप जंबल सेंटेंसेस जब हमने किए थे तो उसमें था कि कई बार आपके पैर बन जा रहे थे, तो आपका जंबल पैराग्राफ क्या होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है एक साथ, तो कई बार आपका सीक्वेंस बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी ज़रूर होगी। पर एक बार आप ना कुछ भी समझ नहीं जब आता है तो ये जो आपके ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग एक बार सेंटेंस कर दूँ, राइट। एक ऑप्शन आपका ज़रूर ऐसा आ जाएगा जो सबसे ज़्यादा मीनिंग बना रहा होगा, एंड यू कैन चूज द ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ जल्दी कर सकते हो देन यू कैन अटेम्प्ट इट। अगर आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम इसमें आपका कंज्यूम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि इसको आप लास्ट के लिए छोड़ दो। 10 क्वेश्चन है ये, तो इनको लास्ट के लिए छोड़ दो, राइट। जो भी चीज़ें पहले आती है, सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, जो आपके लिए वर्क करेगा, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वर्क करे, पर जो चीज़ आपको आती है वो आप पहले कर दो, जो चीज़ में आप थोड़ा डाउटफुल हो उसको बाद में करो, और लास्ट में वो चीज़ करो जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अब अगेन फर्स्ट पार्ट दे रखा है, मतलब आपका जो पैराग्राफ है वो इस वाले सेंटेंस से शुरू हो रहा है। इट वॉज अ डार्क मूनलेस नाइट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज दे ऑल सीम्ड टू हिम टू बी पुअर एंड ऑर्डिनरी मियर चाइल्डिश वुड एंड ऑर्डिनरी मियर चाइल्डिश वर्ड्स राइट। अब पी पार्ट जो आपको दे रखा है, ही टर्न्ड ओवर द पेजेस, ही टर्न्ड ओवर द पेजेस रीडिंग पैसेजेस हेयर एंड देयर, रीडिंग पैसेजेस हेयर एंड देयर, ही हर्ड देम ऑन द फ्लोर, ही हर्ड देम ऑन द फ्लोर, द पोएट टुक डाउन हिज बुक्स, द पोएट टुक डाउन हिज बुक ऑफ पोएम्स फ्रॉम हिज शेल्व्स, फ्रॉम हिज शेल्व्स। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, सम ऑफ देम कंटेन्ड हिज अर्लीएस्ट राइटिंग, अर्लीएस्ट राइटिंग विच ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, विच ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। नाउ दीज आर द सेंटेंसेज। अब सीक्वेंस जो आपका फॉलो होगा दैट इज आर पी क्यू एस, आर क्यू एस पी, आर एस पी क्यू एंड द लास्ट पार्ट इज द आर पी एस एंड क्यू। अब इफ यू विल लुक एट द ऑप्शंस, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो अब आपको इतना तो भाई श्योरिटी है कि आपके जो भी सेंटेंस होंगे वो किससे शुरू होंगे, आर से शुरू होंगे। दो ऑप्शंस हैं जो आपके आर इज फॉलोड बाय पी, तो एक बार वही वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। राइट, गो थ्रू द सेंटेंस। इट वॉज अ डार्क मूनलेस नाइट, द पोएट टुक डाउन हिज बुक्स ऑफ पोएम फ्रॉम हिज शेल्व्स। ये पोएम है, एम ए। ठीक है, आर दो ऑप्शंस आर और पी है ना, एक बार ये देख लेते हैं। आर के बाद द पोएट टुक डाउन हिज बुक्स ऑफ पोएम फ्रॉम हिज शेल्फ, ही टर्न्ड ओवर द पेजेस रीडिंग पैसेजेस हेयर एंड देयर। ठीक है, आर और पी मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। इसके बाद इन ए पार्ट ऑफ द ऑप्शन क्यू दे रखा है और डी पार्ट में आपका एस दे रखा है ना, क्यू से एक बार चेक कर लेते हैं। ही हर्ड देम ऑन द फ्लोर, ही टर्न्ड ओवर द पेजेस रीडिंग पैसेजेस हेयर एंड देयर, ही हर्ड देम ओवर द फ्लोर, क्या किया? ठीक है, नहीं तो आपका क्या है, सम ऑफ देम कंटेन्ड हिज अर्लीएस्ट राइटिंग विच ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, ही हर्ड देम ऑन द फ्लोर, दे ऑल सीम टू हिम टू बी पुअर एंड ऑर्डिनरी मियर चाइल्डिश वर्ड्स। ठीक है, अब देखो आर एंड पी, इट शुड बी फॉलोड बाय एस और फिर आपका आना चाहिए क्यू। राइट, अगर आप क्यू वाला सेंटेंस है वो ही हर्ड देम ऑन द फ्लोर, दे ऑल सीम टू हिम, राइट, उसने क्या किया भाई, नीचे बैठ के जब उसने वो चीज़ सुनना शुरू की या फिर जो भी पोएम थी वो पढ़ के जब सुनी, तो उसको क्या लगा कि जो भी पोएम उसने लिखी है, द राइटिंग्स, राइट, जो बहुत पहले कभी लिखी होगी, विच ही हैज इवन फॉरगॉटन अबाउट, तो वो क्या है, दे आर वेरी ऑर्डिनरी, मतलब एक बच्चे की जैसे जिस तरीके से लिखता है उस तरीके की साउंड की। राइट, तो जो आपका क्यू पार्ट है और आपका जो S6 पार्ट है वो दोनों आपको पता है दे आर मेकिंग सेंस टुगेदर, तो लास्ट आपका सेंटेंस क्यू से होना चाहिए था, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी द डी पार्ट।
इट शुड बी आर पी एस एंड क्यू. ऑलराइट, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम, जस्ट मेक श्योर दैट यू आंसर देम फर्स्ट. ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन एस वन पार्ट है इसमें. अ नॉइस स्टार्टेड अबव देयर हेड्स, अ नॉइस स्टार्टेड अबव देयर हेड्स. एस सिक्स पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, नियरली 200 लाइव्स were lost on the fateful day. P part hai aapka, but people did not take it seriously. Take it seriously. That was to show everyone that there was something wrong. It was a dangerous thing to do. For within minutes the ship began to sink. राइट, तो ये आपके चार पार्ट है सेंटेंस के. नाउ द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस, ऑर्डर क्या होना चाहिए इनका, पी क्यू एस आर, पी आर क्यू एस, क्यू पी आर एस, और लास्ट है आपका क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर. ठीक है, अब सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई होप द बोर्ड इज विजिबल. अ नॉइस स्टार्टेड अबव देयर हेड्स, नियरली 200 लाइव्स वर लॉस्ट ऑन द फेटफुल डे. राइट, द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज अ नॉइस स्टार्टेड अबव देयर हेड. राइट, दो हैं जो पी से स्टार्ट हो रहे, दो हैं जो क्यू से स्टार्ट हो रहे. एक बार ये दोनों ही ऑप्शंस देख लेते. That was to show everyone that there was something wrong. ठीक है, a noise started above their heads. That was to show everyone that there was something wrong. ठीक है, अब that किसके लिए use किया गया है, जो noise सुनाई दी उन्हें. P part क्या है, but people did not take it seriously. ठीक है, दोनों ही sense बना रहे हैं. All right. ठीक है, P के बाद क्या है, Q. That was to show everyone there was something wrong. For within minutes the ship began to sink. It was a dangerous thing to do. Right? अब देखो S और R first option में for within minutes the ship began to sink. It was a dangerous thing to do. They are not doing anything. ठीक है, ship began to sink. उसके साथ S वाला part जो है वो साथ में नहीं जा रहा, मतलब S और R जो है वो आपके साथ में नहीं आएंगे. A part में S और R साथ में है तो we can eliminate this. If you look at even the D option, S और R साथ में है ना, तो ये वाला option भी eliminate हो गया. क्यों? क्योंकि ये दो option साथ में नहीं जाएंगे. Now we are left with two options, P, R, Q, P. Q क्या था? That was to show everyone that there was something wrong, but people did not take it seriously. It was a dangerous thing to do. अब देखो ये sentence क्या है, धीरे धीरे जैसे build up होना चाहिए, it is making sense. फिर क्या, इट वॉज अ डेंजरस थिंग टू डू, फॉर विद इन अ मिनट द शिप बिगेन टू सैंक, नियरली 200 लाइफ वर लॉस्ट ऑन द फेटफुल डे.
ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्या है, सॉरी ये जो आपका सीक्वेंस है सेंस बना रहा है। एक लास्ट ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते, बट पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली, इट वॉज अ डेंजरस थिंग टू डू, दैट वॉज टू शो एवरी वन दैट देयर वॉज सम। ठीक है, अब आर के बाद क्यू नहीं आना चाहिए, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज सी पार्ट। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, इट शुड बी सी क्यू पी आर एंड एस। ऑलराइट, तो आज कुछ जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट उसमें थोड़े प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जो हैं एनडीए में आ चुके हैं वो भी थोड़े सॉल्व कर लेंगे, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। वट एवर द क्वेश्चन इज बीन फ्रेम्ड, जितना हो सके उतना ज़्यादा उसको आंसर करने का ट्राई करो, इवन इफ यू आर टेकिंग टाइम डजेंट मैटर। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे विद इन अ वीक यू विल नोटिस कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। ऑलवेज ट्राई टू फोकस अपॉन द एक्यूरेसी, स्पीड अपने आप आ ही जाएगी। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरी वन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।